उसे मनोरम बना रहा है। कोरोना के बीच भी टोक्यो ओलंपिक बेहद सफल रहा। रविवार को इसका समापन हो गया। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजवाहक रहे। बजरंग ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओपनिंग सेरेमनी में सभी एथलीट अपने झंडे के साथ रहे, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में देशों की सीमाएं खत्म हो गई। दुनिया भर के एथलीट एक साथ एक धुन में चले। सभी ने मोमेंट को एंजॉय किया। सभी एथलीट ने स्ट्रॉन्ग टुगेदर का मैसेज दिया। टोक्यो ओलंपिक में 11,090 एथलीट आए थे। अलग अलग इवेंट में कुल 340 गोल्ड मेडल, 338 सिल्वर और 402 ब्रॉन्ज खिलाड़ियों ने जीते। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 6 खेलों में 7 मेडल जीते। इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं।